नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करते हैं। मेटल सेक्टर की कंपनी है, वेदांता लिमिटेड की ये सब्सिडी कंपनी है। अपडेट आया है इंट्रियम डिविडेंड के बारे में और फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाले हैं, तो इस अपडेट को देखते हैं। और इससे पहले भी कंपनी ने डिविडेंड दिया था, तो जिन निवेशकों के पास हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है तो स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ भी आया है। अब तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करते हैं। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें शेयर बाजार के अपडेट के लिए। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करें, मेटल सेक्टर से रिलेटेड ही कंपनी है और वेदांता लिमिटेड की सब्सिडी कंपनी है और मेटल सेक्टर में एक तरह से तेजी है। तो सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं। 19 जनवरी 2023 को कंपनी की बोर्ड मीटिंग है और थर्ड क्वार्टर के नतीजों के बारे में विचार होगा और डिक्लेयर होगा 19 जनवरी 2023 को। तीसरी तिमाही Q3 FY23 का रिजल्ट आएगा और 19 जनवरी 2023 यानी मिस कल, और साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है, इंट्रियम डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो सकता है। लास्ट में आपने देखा होगा कि 15 रुपीज़ का डिविडेंड था हिंदुस्तान जिंक का, तो अब देखना पड़ेगा कि इंट्रियम डिविडेंड का अनाउंसमेंट कितना होता है। तो अगर इंट्रियम डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है तो इसका जो रिकॉर्ड डेट होगा वो 30 जनवरी 2023 रिकॉर्ड डेट है। इंट्रियम डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है, डिक्लेयर होता है तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ, तो 30 जनवरी 2023 रिकॉर्ड डेट है। तो कल इंपॉर्टेंट डे रहेगा। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1,52,681 करोड़ का है 18 जनवरी 2023 तक, और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 81 का और अर्निंग पर शेयर है 26 का। तो नतीजे आने वाले हैं और लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स थे, सितंबर के जो नंबर्स थे, 8,127 करोड़ का सेल्स था और नेट प्रॉफिट 2,680 करोड़ का था। तो देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट और सेल्स क्या रहता है तीसरी तिमाही का। तो नतीजे इम्पॉर्टेंट रहेंगे, साथ में इंट्रियम डिविडेंड क्या आता है कंपनी की तरफ से वो भी देखना पड़ेगा। जो शेयरधारक हैं हिंदुस्तान जिंक के, तो उनको आने वाले समय में डिविडेंड भी मिलेगा और नतीजे अच्छे होंगे तो स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी भी आ सकती है। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 361 में है और तेज़ी बनी है। लास्ट टाइम जो डिविडेंड दिया गया था कंपनी के द्वारा, तो उसके बाद स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ है। एक पॉइंट ये है कि कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड देती है तो उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आती है उस समय के लिए, और स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ होता है, 2-3 महीना 4 महीना समय लगता है। तो डिविडेंड का भी, अगर डिविडेंड से भी कमाई करनी है, स्टॉक से भी फ़ायदा चाहिए, तो देखिए हिंदुस्तान जिंक अब ऊपर की तरफ है, फिर से इंट्रियम डिविडेंड का अनाउंसमेंट होने वाला है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का और स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ है। 19 जनवरी 2023 इंपॉर्टेंट डे रहेगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के लिए भी और शेयर धारकों के लिए भी, शेयर होल्डर्स के लिए भी। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें शेयर करें कमेंट करें।